नमस्कार, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक मिनट पूरी रिपोर्ट। इस बुलेटिन में आप देखेंगे खबर रफ्तार से भी और विस्तार से भी। सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस हमले में 18 बच्चों की मौत की खबर है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 3 टीचर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी से दहल गया। यहाँ के टेक्सास में एक स्कूल में हमलावर ने बच्चों को अपना निशाना बनाया, जिसमें अब तक 18 बच्चों समेत कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस घटना को नरसंहार बताया। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा संबोधन कभी भी नहीं करना चाहता था। उन्होंने उन तमाम परिवारों के प्रति संवेदना जताई जिनके बच्चों की इस घटना में दुखद मौत हुई। इसके अलावा बाइडेन ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के स्कूलों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। जो बाइडेन ने कहा कि मासूम बच्चों के साथ ये सब हुआ है। ये बच्चे तीसरे और चौथे ग्रेड के थे, जिनमें कई बच्चों ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। बता दें कि टेक्सास के स्कूल में हुई इस फायरिंग में अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 अन्य लोग भी मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया। बताया गया कि हमलावर के पास एक असॉल्ट राइफल थी, जिससे उसने बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमलावर की उम्र 18 साल बताई जा रही है। बंदूकों और हथियारों को लेकर अमेरिका को सख्त होने की जरूरत है। यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया की खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दक्षिण कोरिया की कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगा दिया है। आरोप यह है कि जापान की ओर से उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलें दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर रही है। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब वो कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी पहली एशिया यात्रा समाप्त करने के ठीक एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने जापान के सागर की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान के शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर कोरिया अपने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद परमाणु हथियार परीक्षण सहित और अधिक भड़काऊ कार्रवाई कर सकता है। जापान उत्तर कोरिया की पहले की मिसाइलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए सतर्क रहेगा, जो जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर उतरी थी। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि प्योंगयांग में एक और हथियार परीक्षण किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया जो आमतौर पर सफल प्रक्षेपण के 24 घंटों के भीतर हथियार के प्रशिक्षण में रिपोर्ट करती है, अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। दक्षिण कोरिया ने पिछले हफ्ते कहा था कि उत्तर कोरिया की परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया का शासक तानाशाह है और दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच कई मुद्दों को लेकर तनाव रहता ही है, लेकिन अगर मिसाइल दागी गई है तो तनाव ज्यादा बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। मारीपोल और खार्किव जैसे शहरों में भारी तबाही मचाने के बाद रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को घेरने के लिए पूर्वी क्षेत्र में चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। डोनेट्स नदी के किनारे बसे शहरों उसके प्रमुख निशाने पर है और ये खबर आप देखिए एक मिनट की, ताकि आपको मालूम हो जाए कि युद्ध की कहानी कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंची है। मारीपोल और खार्किव जैसे शहरों में भारी तबाही मचाने के बाद रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को घेरने के लिए पूर्व क्षेत्र में चौतरफा हमला शुरू कर दिया। सिविर्स्की डोनेट्स नदी के किनारों पर बसे जुड़वा शहर सिविरिडोनेस्क और लिसिंचिक के उनके प्रमुख निशाने पर है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि मारीपोल में मलबे की खुदाई के दौरान करीब 200 लोगों के शव बरामद हुए। यूक्रेनी सैनिकों ने मालदोव में रूस समर्थक नेताओं के घरों की तलाशी ली। यूक्रेन पर रूसी हमले के ठीक 3 महीने बाद देश के दूसरे बड़े शहर खार्किव के अधिकारियों ने भूमिगत मेट्रो में फिर से ठीक 3 महीने बाद देश के दूसरे बड़े शहर खार्किव के अधिकारियों ने भूमिगत मेट्रो के लिए संचालन की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध के दौरान शहर के मेट्रो स्टेशन पर हजारों लोगों ने आश्रय ले रखा था। मेट्रो स्टेशन का फिर खोला जाना पिछले हफ्तों में यूक्रेनी सेना को मिली जीत का संकेत है। यूक्रेनी सैनिक राजधानी कीव की तरह खार्किव को भी रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने में सफल रहे। हालांकि युद्ध का सबसे बड़ा चौथा चरण दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। रूस आक्रामक रणनीति के तहत यूक्रेनी सैनिकों को पूर्वी क्षेत्र में फंसाकर डोनबास क्षेत्र के 2 प्रांतों डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करना चाहता है। अब रूस ने एक बड़ी रणनीति तो बना ली है, इससे यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचता है आने वाला वक्त बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देश की बात भी कर लेते हैं। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार बहुत से प्रयास तो कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने गेहूं की तरह चीनी पर भी, जो एक्सपोर्ट की जाती है चीनी, उस पर बैन लगा दिया है। यानी कि भारत में चीनी पहले दी जाएगी, बाद में दूसरों की सोची जाएगी। ये जानकर आप हैरान होंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन चीनी निर्यात के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर है ब्राजील।
लेकिन भारत में चीनी का ये जो निर्यात है अब इस पर बहुत जल्द असर हो सकता है। हाल ही में गेहूं निर्यात पर भारत सरकार की तरफ से नियमों को बदला गया और अब नियमों को बदलने की बारी चीनी के निर्यात को लेकर आई है। माना जाता है कि भारत में चीनी के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चीनी निर्यात पर बैन लगाने की योजना तैयार की जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू कीमतों की बढ़त को रोकने के लिए सरकार चीनी निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी अगर देश में गेहूं के बाद चीनी के निर्यात की पॉलिसी में बदलाव आता है तो इसका असर कौन कौन से देशों पर पड़ेगा। तो भारत से सबसे ज्यादा चीनी खरीदने वाले देशों पर इसका असर होगा और ये देश है इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और कुछ अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं। जब पूरी दुनिया में गेहूं की डिमांड बढ़ी तो भारत ने फैसला लिया था कि गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं होगा ताकि भारत में इस चीज की दिक्कत परेशान ना हो। चीनी को लेकर भी यही निर्णय लिया गया है। अब पाकिस्तान की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले कोरोना काल की बात कर लेते हैं। कोरोना काल की मंदी और ऊपर से भारी भरकम विदेशी कर्ज, पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी समाप्त होने को है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पास अब विदेश से तेल आयात का पैसा भी नहीं बचा तो पाकिस्तान ने तेल बचाने पर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है ये पाकिस्तान का बड़ा प्लान, एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए रफ्तार से विस्तार से। पाकिस्तान ने हाल ही में यूएई से नया कर्ज लिया है और इससे पहले जब यूएई से लिया कर्ज चुकाना था तो चीन से कर्ज लेकर यूएई का कर्ज चुका दिया था और फिर जब जब पाकिस्तान पर मुसीबत आई तो कभी चीन तो कभी यूएई ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन अब समस्या ये है कि तमाम कर्जे लेने के बाद भी पाकिस्तान की आर्थिकी पटरी पर नहीं लौट रही। ऐसे में पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ की सरकार के सामने अब ईंधन की मौजूदा सप्लाई पर कटौती एकमात्र रास्ता बचा है। अब पाकिस्तान की नई सरकार ने तेल बचाने का एक नायाब तरीका ढूंढ लिया। तेल बचाने के लिए पाकिस्तान में कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टियां देने का रास्ता अपनाया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान में सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। पैसों की तंगी से जूझ रही पाकिस्तान में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो कोरोना काल की मंदी से निपटना है, दूसरा पाकिस्तान के बाजार पर चीन का कब्जा है, चीन से पाकिस्तान की कई समझौते हैं जिनमें एक व्यापारिक समझौता है कि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में आसानी से कारोबार कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास जब विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो आने वाले वक्त में आप सोचिए कि पाकिस्तान का हाल क्या होगा। निकाय चुनाव की तैयारियां हरियाणा में खूब चल रही हैं। हर पार्टी चाहती है कि निकाय चुनाव को जीतकर अपना दम दिखाया जा सके। बीजेपी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि हिसार में 27 और 28 मई को दो दिन मीटिंग का दौर चलेगा जिसमें पार्टी के बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में ओपी धनखड़ ने निकाय चुनाव को लेकर संघ और पार्टी के पदाधिकारियों के नब्ज टटोली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए निर्देश दिए और फील्ड में उतरकर मेहनत करने की बात कही। ओपी धनखड़ ने कहा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं। 27 और 28 मई को हिसार में उम्मीदवारों के चयन और आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही पूरी तैयारी में, हमने हर जगह के इंचार्ज लगाए हुए हैं, सीनियर मंत्रियों का दौरा सब जगह हो गया है। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस में पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं के शामिल होने पर कहा कांग्रेस के लोग अपने पिछले नेतृत्व से खुश नहीं थे इसीलिए ऐसे लोग ही कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष की दो पारियों में विशेष लोगों ने लगातार झगड़ा करवाया। अशोक तंवर को बेआबरू बना दिया गया तो शैलजा को कार्यकारिणी तक नहीं बनानी थी। अपने ही नेतृत्व से खुश नहीं थे, दो पारी उन्होंने ऐसे ही निकाल दी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा हरियाणा में निकाय चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर अकेले, ये हिसार में इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में फाइनल किया जाएगा। साथ ही मीटिंग में उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। पहले तो कहा गया था कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है। उम्मीद है कि गठबंधन के साथ ही बीजेपी जेजेपी निकाय चुनाव लड़ेगी लेकिन सवाल यह भी है कि सिंबल पर सभी पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है क्योंकि कांग्रेस की भी एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा भी हुई। कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई है, आइए जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट में। दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात में श्रम और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक से जुड़ी बातचीत की। हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से, ई श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि
के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लागू किया उसमें आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नज़दीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अभी अरावली के 10,000 एकड़ ज़मीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए एक सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने पूरा संकल्प किया है निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से उसमें सहयोग करेगा। और वहीं सीएम ने बताया कि ईएसआई अस्पतालों की योजनाओं और डिस्पेंसरी को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पहले ये जानकारी थी कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल को पत्नी ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बेटे के सामने रोज क्रिकेट बैट और तवे से मारती थी, पति ने आखिरकार डर के मारे घर ही छोड़ दिया। हैरान कर देने वाला मामला देखिए एक मिनट। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के केस अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अलवर में मामला ठीक इसके उलट है। यहाँ पत्नी के पति को पीटने का मामला सामने आया है। पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से पीटती है कि वो बचने के लिए घर से भागता फिरता है। कभी तवे से तो कभी क्रिकेट बैट से पति की रोजाना पिटाई होती थी। पीड़ित पति ने पत्नी की सच्चाई सामने लाने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब पति इन सीसीटीवी फुटेज के साथ सामने आया और पत्नी की सारी करतूत पुलिस को बता दी। मामला दर्ज होने के बाद कोर्ट ने पति की सुरक्षा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। मामला भिवाड़ी का है। पीड़ित पति अजीत स्कूल में प्रिंसिपल है। पति की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पत्नी सुमन अपने प्रिंसिपल पति की जमकर पिटाई कर रही है। पीड़ित फुटेज में हाथ भी जोड़ रहा है। खास बात यह है कि पत्नी अपने बेटे के सामने ही पति को पीटती है। कई फुटेज में पति पत्नी के अलावा उनका बेटा भी नजर आ रहा है। पिता की पिटाई के दौरान वो डरा सहमा नजर आ रहा है। पीड़ित प्रिंसिपल ने घरेलू हिंसा की शिकायत भिवाड़ी पुलिस को दी है। अक्सर महिलाओं का उत्पीड़न दिखाई देता है, लेकिन ऐसे कम ही मामले सामने आते हैं जहां पर पुरुषों का उत्पीड़न भी होता है, और उदाहरण हमारे सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के एक अस्पताल में मरीज के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में आखिरकार क्या है, आइए जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट में रफ्तार से विस्तार से। यूपी के बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है। ककोर थाना क्षेत्र के झाझर रोड स्थित निजी अस्पताल में जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो में अस्पताल प्रबंधन और मरीज के तीमारदारों के बीच पहले तो जमकर बहस हुई और फिर हंगामा और फिर नौबत मारपीट तक आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर दंगल में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट की गई। मारपीट की घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में राइफल तानते और महिलाओं से मारपीट करते दबंग भी नजर आ रहे हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत इंजेक्शन को लेकर हुई। मरीज के परिजनों का आरोप है कि जब अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाया तो परिजनों ने इस पर एतराज जताया और फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई। इस मामले की जांच जारी है। गलती किसकी थी और किसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ, ये जांच का विषय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। साल 2010 में आई बाढ़ में यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज को काफी नुकसान पहुंचा था, और वहीं अब जल्द ही बैराज को बचाने का काम भी शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। यमुनानगर में हरियाणा हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर स्थित हथिनी कुंड बैराज का निर्माण 9 जुलाई 1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने करवाया था। ये बैराज रिकॉर्ड 3 साल में तैयार करवाया गया था। 1999 के बाद लगातार आने वाली बाढ़ से इस बैराज का रिवर बेड लगातार नीचे जा रहा है। साल 2010 में आई बाढ़ से इस बैराज के नीचे ताजे वाला का स्ट्रक्चर बह गया था। इसके बाद बैराज का बेड और नीचे चला गया। 1999 में जब इस बैराज का निर्माण हुआ था उस समय इसका रिवर बेड 329 मीटर पर था, जबकि इस समय ये 14 मीटर नीचे यानी कि 310 मीटर पर है। अगर ये 4 मीटर और नीचे आ जाता है तो बैराज को खतरा पैदा हो जाएगा। अब बैराज में 550 मीटर नीचे एक समरसिबल वेयर बनाया जाएगा। इसे सेंट्रल वाटर कमीशन डिजाइन कर रहा है। जैसे ही ये डिजाइन तैयार हो जाएगा सिंचाई विभाग इस पर काम शुरू कर देगा। अब बैराज को बचाने का बीड़ा तो उठा लिया गया है, क्या इसमें कामयाबी मिलेगी, मेहनत बहुत ज्यादा है।
निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसे लेकर अब पार्टी को चुनाव आयोग से भी हरी झंडी मिल चुकी है। हरियाणा में निकाय चुनाव की हलचल तेज है। निकाय चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और इसे लेकर चुनाव आयोग की हरी झंडी भी मिल गई है। गौरतलब है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू अभी तक निकाय चुनाव के लिए रिजर्व नहीं था। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता इसकी घोषणा पहले ही कर चुके हैं। सुशील गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी ने इसके पहले ही आयोग को पत्र लिख रखा था, चुनाव आयोग ने हमारा चिन्ह रिजर्व कर दिया था। सुशील गुप्ता ने कहा, पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। वहीं चुनावों से ठीक 21 दिन पहले 29 मई को कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अब बदले का हरियाणा रैली कार्यकर्ताओं और संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। रैली के साथ प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। प्रदेश के लोगों को आम आदमी पार्टी में उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा इस बार निकाय चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी को जनता का कितना साथ मिलता है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से यह मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। हिसार के सियाड़वा गांव में चार दिन पहले मोटर को ठीक करते वक्त कुएं की जमीन खिसक गई थी और एक टीम ने शव को तो निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद बहुत सी टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही थी। दूसरे शव के लिए रेस्क्यू अभी भी जारी है, परेशानियों का सामना बहुत से करना पड़ा है। आइए जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट में रफ्तार से भी विस्तार से भी अभी रेस्क्यू कहां तक चला। हिसार के गांव सहड़वा में एनडीआरएफ के जवान जयपाल को खोजने की कोशिश में कुएं की खुदाई करते रहे, मगर रेतीली जमीन और पानी दोनों ने मिलकर दलदल जैसी स्थिति पैदा कर दी, जिस कारण शव को खोजना भी एनडीआरएफ के लिए चुनौती बन गया। दिन भर खुदाई और खुदाई की रणनीति बार बार बदलने के बाद जयपाल का शव एनडीआरएफ को मिल गया, मगर शव और भी नीचे धंस सकता था, इस कारण उसे निकालने में सावधानी बरती जा रही थी। अभी तक शव को कुएं से बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जयपाल और जगदीश फौजी कुएं में मोटर सही करते समय कुएं की जमीन धंसने से तल की मिट्टी में समा गए थे। इसके बाद सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट और एनडीआरएफ के जवान मिलकर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जगदीश के शव को निकाल लिया गया। जयपाल को खोजने के लिए लगातार खुदाई जारी है। मंगलवार को दिन भर चली खुदाई के बाद आखिरकार टीम शव तक पहुंचने में कामयाब हुई। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, शव को निकालने का प्रयास भी लगातार जारी है। टीम ने बहुत मेहनत भी की है, लेकिन आखिरकार ये दुख की खबर है कि बचाया किसी को नहीं जा सका, लेकिन फिर भी टीम अभी भी शव को निकालने का प्रयास कर रही है। मंडी में स्कूल बस ड्राइवर पर नशे के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में अब ज्यादा आगे बढ़ते हुए तूल पकड़ लिया इस मामले ने। क्या है ये पूरा मामला, ये जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की मंडी में स्कूल बस के चालक की तरफ से दिन दिहाड़े नशे में चूर मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। जिले के नगर परिषद सुंदरनगर में स्कूल बस के चालक की तरफ से शराब के नशे में धुत वाहन चलाकर 25 स्कूली बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया। गाड़ी में सफर कर रहे बच्चे और उनके अभिभावक यदि विरोध नहीं करते तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मामले में शहर के एक निजी स्कूल में बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए हाडेटी समेत शहर के अन्य वार्डों के अभिभावकों ने एक टेम्पो ट्रेवल गाड़ी को किराए के रूप में अधिग्रहित किया था। ये दुर्घटना घटने से रह चुकी है, अब आगे प्रशासन से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों के बयान दर्ज करवा कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्षद चिंता डोगरा और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से मांग की है कि स्कूली वाहनों की समय समय पर चेकिंग की जाए, जिससे कोई अनहोनी घटना ना घटे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन ये गंभीर मामला है। दूसरे अभिभावकों को भी इस खबर को देखकर सबक लेना चाहिए। हरियाणा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, रेवाड़ी की एक खबर से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रेवाड़ी के बावल कस्बे में एक व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। एक मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा बावल में हुई वारदात से लगा सकते हैं। औद्योगिक कस्बे बावल के सर छोटू राम चौक के पास मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने एक दुकानदार पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। बदमाशों ने व्यापारी को धमकी देते हुए 50 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की और वहां से फरार हो गए। व्यापारी पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की घटना के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया।
दुकान पर आए एक युवक ने दुकानदार को मोबाइल देते हुए किसी से बात करने के लिए कहा। दुकानदार ने बात करने से इनकार किया तो बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। दुकानदार गोली लगने से बाल बाल बचा और दुकान में लगा शीशा टूट गया। अब आप सोच सकते हैं कि शहर में बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है। उनका केबिन के अंदर आने का रास्ता कहाँ से है? मैंने कहा नहीं बताओ क्या काम है, तो बोले बात करनी है। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं बात करनी है उस टाइम के ऊपर, मैंने कहा हाँ बताइए। व्यापारियों में रोष भी है और अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। अंबाला पुलिस ने नकली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही गिरोह के दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कैसे ठगिया करते थे आइए जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट में। अंबाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के जगाधरी गेट से आरोपियों को नकली पासपोर्ट के साथ काबू किया। दरअसल अंबाला शहर के जगाधरी गेट पर नकली पासपोर्ट बनाने का गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था। आरोपी भोले भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगने का काम करते थे। मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज रविंदर कुमार ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर दो लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिनसे पूछताछ के बाद अब पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि इन लोगों के पास से 96 पासपोर्ट, 14 मोबाइल मिले हैं, साथ ही कलर प्रिंटर और 70,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। कमलप्रीत सभरवाल, अंबाला, खबरें अभी तक। तो अभी ये हमने इसमें 5 दिन में 6 व्यक्तियों को और इतना ये आपके सामने आए हैं, पासपोर्ट आदि रिकवर कराया, तो मेरी सारी टीम ने बहुत इसमें रात दिन मेहनत करी है। इस तरह के मामले पुलिस के सामने पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कहना होगा कि पुलिस को एक कामयाबी जरूर मिली है और भी लोग इसमें शामिल है, बड़ा सवाल है। रोहतक पीजीआई में एक मरीज ने सुइसाइड कर लिया। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन परिवार की ओर से एक बयान जरूर दिया गया है कि सुबह टहलने के लिए मृतक गया था, उसके बाद यह खबर सामने आ गई। रोहतक में भर्ती मरीज ने जनरल वार्ड की छत पर जाकर गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मरीज रोहतक पीजीआई के वार्ड नंबर 5 में भर्ती था और उसका 21 मई को ऑपरेशन हुआ था। सुबह रोहतक पीजीआई की वार्ड की छत पर एक युवक फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया। तुरंत पीजीआई के सुरक्षा गार्डों को सुनिश्चित किया गया। पीजीआई के सुरक्षा गार्डों ने वार्डों में जानकारी ली तो मृतक की पहचान संदीप गांव मनोहरपुर जिला जींद के रूप में हुई। संदीप 31 मई को पीजीआई के वार्ड नंबर 5 में भर्ती हुआ था, उसी रात को उसका ऑपरेशन हुआ। परिजनों ने बताया कि सुबह 4:30 बजे वो टहलने के लिए निकला था। अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये जिला जींद में मनोहरपुर गाँव है इसका। ये 21 तारीख को एडमिट हुआ था, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हुआ था इसका, और इसके परिवार के साथ में आए हुए हैं। इसका भाई है, एक इसकी मौसी का लड़का, ताऊ का लड़का। तो जिन्होंने यही कारण बताया भाई, ये सुबह निकल आया, ऊपर आया है सुबह, वो सो गए थे और ये ऊपर आ गया था।